आप देख रहे हैं गांव खैरे का कालावाली विधानसभा की। यहां पर आपको बता दें बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र देसू जोदा जो वोटों की अपील करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो राजेंद्र देसू जोदा हैं वो गांव खैरे का में पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं गाँव के लोगों द्वारा किस तरह से उनका अभिवादन किया जा रहा है। फूल माला पहनाकर जो गाँव के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, गाँव खैरे का में सभा स्थल तक इसी तरह से स्वागत करते हुए जो लोग उनको लेकर जा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सभा स्थल पर अगर दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं भी यहां पर काफी संख्या में जो मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं के द्वारा जो राजेंद्र देसू जोदा का जो स्वागत किया जा रहा है, मालाएं पहनाई जा रही है। जो गाँव की बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी जो फूल माला पहनाकर राजेंद्र देसू जोदा का जो स्वागत कर रही हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अगर पूरे यहाँ पर सभा स्थल की तस्वीरें आपको दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, और दूसरी तरफ की अगर बात करें तो आप पीछे देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पुरुष भी बैठे हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस वक्त कालावाली विधानसभा में मौजूद हैं गाँव खैरे का में, यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र देसू जोदा जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कैसी चल रही है इनकी चुनाव की प्रक्रिया। यहाँ पर इलेक्शन का सवाल है, मेरे इलेक्शन के बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता। मेरा इलेक्शन तो लोग लड़ रहे हैं, लोग ही टूर प्रोग्राम बनाते हैं, लोग ही इकट्ठ करते हैं, लोग ही गाड़ियाँ लाते हैं। मेरे दोस्त जो सारे गरीब आदमी हैं, छोटी छोटी गाड़ियों वाले, और मेरे जो सामने हैं उसके सारे दोस्त अमीर आदमी हैं। परंतु वो ये बोल रहे हैं कि वोट अमीरों के घर में दो दो होती हैं और गरीबों की झोंपड़ी में दस दस वोटें होती हैं। वो दो दो वोटों वाले उसके साथ है, दस दस वाले मेरे साथ है। आप गुणा भाग कर लो, दो पंजे दस, पांच गुना ज़्यादा वोट लेकर 100% यहाँ पर लोगों की जीत होगी। और दूसरी तरफ की अगर बात करें तो वहाँ पर जैसे कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो चेहरे आ रहे हैं यहाँ पर प्रचार करने के लिए, उसके सामने आप अपने को क्या? उनको ना खुद पे विश्वास नहीं है। जो खुद बात नहीं कर सकता आदमी, वही औरों से बात करवाता है। उनको पता भी 5 साल लोगों ने मुझे MLA बनाया, पहले बड़े बड़े उसने वादे किए थे, एक भी विकास के नाम की ईंट नहीं लगवाई। नशे के खिलाफ कुछ उन्होंने मुहिम नहीं चलाई, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए कोई काम नहीं किया। कभी चंडीगढ़, कभी गोवा, कभी इधर कभी उधर ऐश परस्ती की है। और आज जब लोग सवाल पूछते हैं तो उसको जवाब नहीं आता, तो वो कभी राजा बड़ेंग को लाता है, कभी किसी को लाता है, कभी किसी को लाता है। परंतु वो बोल रहा है जे लोग है ना, इनका मान सम्मान इतना है, ईगो इतनी है, वो बाहर शीश पाल के कहने से तो शायद जे लोग वोट दे दें कि जे हमारी चलो इलाके का है। परंतु जो राजा वड़िंग और वो फलाना वड़िंग जी आ रहा है जहाँ पे, उनके बाहर वाले लोगों के प्रेशर के नीचे जे दबने वाले लोग नहीं है, ये मरने मटाने वाले लोग हैं और गरीब के साथ खड़ने वाले लोग हैं। गरीब देसू जोदा है, इन लोगों को पता लग गया है, और जो सारे देसू जोदा के साथ खड़े हैं वो चाहे किसी को ले आए, लोग वोट मुझे डालें। आज जैसे एक चीज देखने में सामने आई कि खैरेका में काफी सारी महिलाएं जो पुरुषों से भी आगे उनको रखा गया था, आगे बैठी हुई दिखाई दे रही थी, उनके बारे में क्या? महिलाओं को मेरे पे विश्वास है कि देसू जोदा ही एक ऐसा योद्धा है जो कहता है वो करता है। आज मैंने कहा है कि एक बार विधानसभा की पौड़ियाँ चढ़ा दो, 5 साल में कालावाली हलके में नशे का नामो निशान मैं नहीं छोड़ूंगा। और वो कैसे नहीं छोड़ूंगा, प्लानिंग भी है। वो तो बोलते बोलते ना, उन्होंने करना कुछ नहीं, परंतु करने से कुछ होगा। मैं कालावाली हलके में 100-100 बेड के 200 अस्पताल खोलूंगा, जहाँ पर अच्छे डॉक्टर हों, अच्छी फ्री दवाई हो और अच्छा स्टाफ हो और सब बच्चों को प्यार करने वाला हो। ये बच्चे हैं जो हमारे गलत रास्ते पे चले गए हैं, ये प्यार से नशा छोड़ देंगे, ये मार कुटाई से नहीं छोड़ेंगे। तो देसू जोदा हमेशा ही गरीब को प्यार करता है। हम घर घर जाके प्यार से लाकर उनका नशा छुड़वाएंगे। और हमारी जो माताएँ हैं जो खून के आंसू बहा रही हैं, देसू जोदा उनके खून के आंसू पहुँचने में अपना पूर्ण योगदान देगा। जी सर, क्या अपील करना चाहिए? अपील तो यही है लोगों को कि वोट है 5 तारीख को। आप सोच लो कि देसू जोदा ने क्या किया, शिशपाल ने क्या किया, दोनों में जो अच्छा है उसको वोट डाल दो, ये लोकतंत्र है।